फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक जगुआर का एलईडी बल्ब आया हुआ है जो कि 5 वाट का है। ये देखिए 5 वाट है। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम, ये देखिए ये डिम जल रहा है, रोशनी इसमें पूरा तरीके से नहीं है। अगर आपको डिम जले तो सबसे पहले आप वोल्टेज देख लीजिएगा, इसका कितना वोल्ट दे रहा है। पैंसठ वोल्ट दे रहा है, यानी 5 वाट है तो ये वोल्ट सही दे रहा है, 66-65 दे रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई इसका जो है ड्राइवर ठीक है, इसका कोई एमसीपीसी पर कोई एलईडी ही फ्यूज हो गया होगा। अब एक प्रॉप को यहाँ रखिएगा, एक प्रॉप को यहाँ देखिएगा, 19 आ रहा है, 16 आ रहा है, इधर देखिए कितना आ रहा है, 56 आ रहा है, यानी कि इधर बहुत कम आ रहा है। ठीक है, इधर देखिए कम आ रहा है, यहाँ से ये सीरीज नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, जिसके कारण ये कम आ रहा है। तो ये बल्ब ही, ये एसएमडी एलईडी ही आपको ख़राब है। इसके लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए इसे शॉर्ट कीजिएगा ना तो ये जल जाएगा। मैं आप लोगों को शॉर्ट, देखिए देखिए जल गया ना, ये एसएमडी एलईडी ख़राब हो गया है, वीक हो गया है। तब आपको करना क्या पड़ेगा, ये एमसीपीसीबी को ही आपको बदल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसका वायर खोल लेता हूँ। अब इसको जो है इसमें उखाड़ दिया, इसमें होल है, इसमें दूसरा एमसीपीसीबी इसमें लगा देना पड़ेगा। तो मेरे पास तो है, पुराना है, इसका मैं एलईडी, इसका एसएमडी एलईडी मैं शॉर्ट कर दिया हूँ, क्योंकि ये जो है 5 वाट का है तो 5 एलईडी है, 3 और ये 2 5, इसमें भी 2 2 4 3 7 एलईडी दे दिया हूँ। तो मैं इसे लगा के आप लोगों को पहले टेस्ट करा देता हूँ, उसके बाद मैं इसमें सेट करूँगा। तो मैं इसे सोल्डरिंग करता हूँ सबसे पहले, देखिए मैं सोल्डरिंग कर दिया हूँ, अभी मैं फिक्स नहीं किया हूँ, आप लोगों को केवल टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए जल गया ना। अब आपको करना क्या है, इसमें जो ये कंपनी का लगा हुआ है इसको खूंच कर उखाड़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका सोल्डरिंग खोल के, देखिए ये सब है, ये सब खूंच कर उखाड़ना पड़ेगा। उसके बाद हीट सिंक पेस्ट आपको लगा देना पड़ेगा, इसके पीछे में भी हीट सिंक पेस्ट लगाना पड़ेगा, और यहाँ ये पहले आपको उखाड़ लेना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को साफ करके दिखा देता हूँ, देखिए मैं साफ कर दिया हूँ, अब इसमें हीट सिंक पेस्ट लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। इस टाइप से पेस्ट आपको पूरा पीछे में लगा देना है अच्छी तरीके से, ये पेस्ट यहाँ मैं लगा दिया, ठीक है, इस टाइप से लगाइएगा। अब मैं स्क्रू लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए मैं स्क्रू लगा दिया हूँ, देख लीजिए। अब मैं रेड वायर को प्लस में और ब्लैक वायर को माइनस में आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। देखिए मैं दोनों को सोल्डरिंग कर दिया हूँ, अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखा देता हूँ। चल गया ना। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे एक लाइक मार दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मैं डिफ्यूजर लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए।